दोस्तों, बहुत दिन से मैं आपको सिर्फ पहाड़ दिखा रही हूँ, पहाड़ी कल्चर दिखा रही हूँ, पहाड़ से रिलेटिव चीज़ें दिखा रही हूँ। तो मैंने सोचा है क्यों ना आज आपको पहाड़ी रेसिपी दिखा दूँ, क्योंकि मेरे चैनल पे पहाड़ से रिलेटिव वो सारी चीज़ें आती हैं जो जो भी पहाड़ में बनता है। तो मेरे चैनल पे आपको पहाड़ी कल्चर देखने को मिलता है, तो पहाड़ी रेसिपी भी आपको देखनी पड़ेगी, क्योंकि मैं बना रही हूँ आज पहाड़ी किचन में मशरूम। तो दोस्तों, शुरू करूँगी आज की वीडियो। नमस्कार, आप सभी को स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पूजा पहाड़ी विंडो पे। दोस्तों, उम्मीद करूँगी आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगेगी तो लाइक ज़रूर करना, चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब करना, और साथ ही कमेंट करके बताना कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो एक बार ट्राई करके ज़रूर बताना कि आपको ये आज की रेसिपी कैसी लगी। तो दोस्तों, शुरू करती हूँ आज की वीडियो और बनाते हैं सीधे मशरूम। तो ये है मेरे मशरूम, आप देख सकते हैं, बाहर बारिश और अंदर मशरूम, तो बात ही कुछ अलग है पहाड़ की। तो दोस्तों देख सकते हैं, बाहर बारिश आ रही है और अंदर मशरूम। मैंने छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है, देख सकते हैं, क्योंकि उतना बड़ा थोड़ी खा सकते हैं। तो छोटे छोटे पीस अपने हिसाब से आप कट करके इसे इस तरह से बना लें। और दोस्तों, मैं इस वीडियो में कोई ये नहीं बताने वाली हूँ कि मैंने इतने प्याज लिए, इतने टमाटर लिया, क्योंकि मैंने उसके सिवा कुछ और लिया नहीं है। बस आप देखते रहना मैंने क्या डाला है, क्योंकि प्याज टमाटर तो हर किसी के घर में होता है, लेकिन मैं बताऊँगी नहीं इतना क्या डाला, उतना क्या डाला। मैंने नॉर्मली मसाले घर के डाले हैं, आप देख सकते हैं। तो आप भी एक बार ऐसे ट्राई करके ज़रूर देखें, बहुत ही टेस्टी हुआ है। Thank you.
ये थी हम मेरी पहाड़ी रेसिपी मशरूम। तो दोस्तों इसका टेस्ट तो मैंने आपको कराया नहीं, लेकिन टेस्ट की बात करूँ तो बहुत ही अच्छा, बहुत ही लाजवाब, बहुत ही अच्छा टेस्ट था। मैंने नॉर्मल मसालों से बना रखा है उसे, मैं नहीं, क्योंकि हम पहाड़ी किचन में अगर पहाड़ में ये रेसिपी बनाते हैं तो ये सब कुछ मसाले पहाड़ में अवेलेबल नहीं होते हैं। क्योंकि अगर हम मार्केट में उसे लाने के लिए जाएं तब तक तो हमारा खाना पक चुका होता है। तो मैं कोई मसाला ऐड नहीं किया, जो मेरे पास घर में थे वही ऐड किए। तो बहुत ही टेस्टी मशरूम हो रखा था, लेकिन वैसे भी पहाड़ी किचन की, पहाड़ी खाने की तो बात ही अलग है, और वो भी पहाड़ में बन जाए और गाँव घर में बन के खाने में तो और भी मज़ा आता है। तो मशरूम बहुत ही टेस्टी हो रखा था, मैंने आपको दिखाया नहीं, बहुत ही बढ़िया। तो दोस्तों उम्मीद करूँगी आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कर देना। तो फिर मुलाकात होगी किसी नए ब्लॉग में, भगवान करे आपका दिन शुभ हो, टेक केयर, बाय बाय।